हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विथ समथिंग न्यू, इकोनॉमिक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बिफोर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वी विल स्टडी सेंट्रल बैंक कॉन्सेप्ट. व्हाट इज सेंट्रल बैंक? द बैंक व्हिच इज द टॉप मोस्ट बैंक, और यू कैन से इट इज एपेक्स बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स. ये सब तो उसके बच्चे हैं, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल बैंक, ये तो उसके बच्चे हैं. उनका सबका फादर कौन है? सो दैट सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइक अ फादर, सबका बाप बोल सकते हो. ओके, दैट इज द टॉप मोस्ट बैंक विच कंट्रोल्स द होल मॉनिटरी फंक्शन, राइट? मॉनिटरी स्ट्रक्चर, मॉनिटरी फंक्शन, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय सेंट्रल बैंक. इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डू यू नो द बर्थ डेट ऑफ इट? 1st April 1935. 1st April, इट्स नॉट अ एप्रिल फुल डेट, इट इज 1st April 1935, विच इज जेन्युइनली द बर्थ डेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मतलब उस दिन वो बैंक फॉर्म की थी, राइट? नाउ व्हाट फंक्शन इट डज? बाप रे, सो मेनी फंक्शंस. लेट अस सी, और लेट अस फाइंड द लोगो ऑफ दैट. दैट इज योर एक्टिविटी, फाइंड द लोगो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप. ओके, शेयर दिखेगा. यस, we have to respect him, share hai beech mein. Okay, find that logo and send me on WhatsApp. Okay, coming back to the functions of Reserve Bank of India. Number one functions, to print the currency. Yes, to print the currency is a function, first function of Reserve Bank of India. All currency notes, 50 rupee, 100 rupee, 500 rupee, all notes have been printed by RBI, and coins and 1 rupee note is minted by government. Okay, I'm clearly mentioning some words. Currencies are printed and coins are minted. Okay, use proper words. In economics, proper words are important. Currency printed and coins minted. Okay, so this is the first function of RBI, to print the currency notes of different denominations, right? And each and every note has Reserve Bank Governor's signature, which is also printed on it. Now one more activity you have to search, ki who is the governor of RBI? Send me on WhatsApp. So these are two activities, ki find the logo of Reserve Bank of India and find who is current governor of RBI. Okay, so the first function is over, to print the currencies. Is that so that government prints, RBI prints the currency anyhow? Ki chalo, paper hai, machine hai, print karo. Is that so? No, it's not so. It is always backed by gold. It is always backed by gold. Means government RBI को कुछ गोल्ड देती है, अकॉर्डिंगली दे प्रिंट द करेंसी ऑफ दैट वैल्यू. नॉट दैट वैल्यू, सम 70-75% वैल्यू. ओके, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज पॉइंट्स. सिर्फ याद रखना है उसका काम क्या है, रिजर्व बैंक का, छपाई, टू प्रिंट द करेंसीज, राइट? नाउ नंबर टू, इट इज बैंकर्स बैंक. सेकेंड पॉइंट वॉज बैंकर्स बैंक. Now, what do you mean by bankers bank? Bankers bank means every bank has account with RBI. Tell me, can I open account with RBI? No, I cannot open account with RBI, right? So who opens accounts with RBI? Yes, all commercial banks, cooperative banks, they can open accounts with RBI. So all the salary checks of all the government employees, central government or state government employees, they are issued in the name
जनरली दे आर इश्यूड बाय SBI. RBI नहीं करती है, SBI करती है. बट SBI इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ RBI. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अंडर. सो दैट इज बैंकर्स बैंक. दैट वॉज माई सेकेंड पॉइंट. बैंकर्स बैंक बोले तो एवरी बैंक हैज अ अकाउंट विथ RBI. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, कस्टडी ऑफ फॉरेन रिजर्व और कस्टडी ऑफ अ फॉरेन करेंसी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कस्टडी ऑफ फॉरेन करेंसी मीन्स रिजर्व बैंक हैज डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोज, ऑल करेंसी आर इन विथ रिजर्व बैंक. ओके, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? सी, इफ देयर इज एनी फ्लक्चुएशंस, फॉर एग्जाम्पल रेट कम हो गया, रेट ज्यादा हो गया, इन दिस केस वॉट दे डू, दे स्टार्ट इशूइंग सच करेंसीज, दीज करेंसीज इन द मार्केट, सो दैट दे कैन बैलेंस. ओके, दैट विल बी कमिंग इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये सब है बाद में. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस नाउ. ओके, सो जस्ट रिमेंबर कि इट इज अ कस्टडियन. कस्टडियन मतलब ये रखता है, अपने पास रखता है. इट इज अ कस्टडियन ऑफ अ फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर्स, यूरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पाउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, दिस वॉज माई पॉइंट नंबर 3. नाउ पॉइंट नंबर 4, CRR. यस, आई पोस्टेड वन वीडियो रिगार्डिंग CRR. डू यू रिमेंबर CRR एंड SLR? दिस वीडियो वॉज देयर, आई ऑलरेडी पोस्टेड सम 20 डेज बैक. What is CRR? Yes, some part of the amount which bank has to keep, every bank has to keep with RBI. That is CRR. Compulsory होता है, हर एक bank को compulsory होता है. For example, suppose bank has 100 crores and CRR rate is 20%. तो 100 में से 20% bank has to keep with RBI. ओके, ऑन दिस RBI gives them interest. ऐसे ही नहीं रखते उधर, RBI gives them interest. SLR concept was also there, लेकिन SLR amount is not kept with RBI. SLR bank keeps with itself. Why? Because bank cannot issue that amount. Just refer my that video, CRR and SLR, if you want, if you have any doubt. Okay, so back to my point again. What does commercial bank do? Commercial bank has to compulsorily keep some CRR amount with RBI, some percentage with RBI. This was our next point. Okay, so far we have finished 4 points. I repeat all the points again. Point number 1. Yes, it is printing. It does printing of currency notes. Point number 2 is banker's bank. Every bank has an account with RBI, right? Point number 3, foreign currency is kept. Foreign currency is kept. Point number 4, that CRR amount is kept. Not SLR, CRR amount is kept. Correct? Now coming back to point number 5. So what was our point number 5? Supervisor. It supervises all commercial banks, cooperative banks, everybody. Okay? So it does the function of supervising of all banks. मतलब सब पर ध्यान रखती है. क्या कुछ problem है? Problem है तो sort out करो. Okay? Coming back to next point, which is very important. Lender of last resort. Now what is that? Lender of last resort. मतलब क्या है इसका? Let me explain. Sometimes what happens, bank is not in a position to repay some loan, repay the amount, because bank suffers lots of losses. Okay, bank has given some loans, bank could not recover that amount. So bank gayi to pani mein jane wali hai, dibbe, andar jane wali hai. Okay, in this case, bank can inform RBI regarding this. Then RBI provides some help. RBI takes over the whole formalities to repay all the amounts to the customers. All these things are undertaken by RBI.
ओके, यू मस्ट हैव सीन कि कोई भी एरिया में, तुम्हारे एरिया में भी हो सकता है कि बैंक अगर डूब रही है, राइट, बैंक अगर डूब रही है तो आफ्टर फ्यू डेज दैट बैंक इज टेकन ओवर बाय सम अदर बैंक, राइट. तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि तुम्हारे पैसे भी डूब गए, राइट, इट बिकॉज इट इज टेकन ओवर बाय सम अदर बैंक. हु डज दैट फॉर्मैलिटी? बाप बैठा है ऊपर, आरबीआई डज दैट फॉर्मैलिटी ऑफ टेकिंग ओवर, हेल्प्स दैट बैंक keeping that staff same. This is a good thing, this is the best thing which bank does, ki original staff jo hai unko nahi nikalte hai, wo staff same rakhte hai kyunki wo unki rozi roti hai, they have to keep that staff, right. So what is the change? Checkbook is changed, passbook is changed because new bank has taken over, but the old employees remain as it is, manager remains as it is. Unless and until he has not committed any fraud. Fraud hai toh, he will be removed. Okay? So this was my next point. That is lender of last resort. Matlab, bank agar doobne ko aaye, toh usko sahara dene ke liye kaun aata hai? Reserve Bank comes to give you help. Okay? Next point. Clearing house. Clearing house is a similar point. Of RBI, clearing house matlab whatever dues are there, dues of customers like us, they are also repaid by RBI. Means RBI helps them to repay that. Okay, to clear karta hai sab whatever pending amount hai, wo RBI kya karta hai, that is cleared by paying off to the customers, so that customers are satisfied. Ha, mera paisa to bach gaya, mera paisa to bach gaya, abhi ye bank dube ya kuch bhi ho jaye, वो डूबती नहीं है, डोंट वरी, बिकॉज इट इज टेकन ओवर बाय समबडी एंड यू आर हैप्पी टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन दैट न्यू बैंक ऑल्सो. ओके, फाइन, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट. वन पॉइंट इज लेफ्ट, कस्टर्ड. दिस वी हैव फिनिश्ड, आई थिंक वी हैव फिनिश ऑल द पॉइंट्स. सॉरी, यू फिनिश ऑल द पॉइंट्स. लेट अस रीड ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन. ओके, आई एम जस्ट रीडिंग दिस. यस, कैन यू सी ऑल दिस पॉइंट्स? Very good. Yeah. Central bank is the apex bank which controls, directs the monetary structure of the country. It is controlling bank, right? In India, RBI is, that is Reserve Bank of India, is a central bank. It is formed on 1st April 1935. Yaad kaise rakhoge? April Fool wale day pe hai. Uska birth date kab hai? April Fool date hai. Right? Next, functions of RBI. What are the functions of RBI? Printing of currency. RBI has a sole authority to print the currency except 1 rupee note and coins. They are minted by Government of India. See, I purposely use the word minted. Correct? Next point is bankers to the government. ये प्रिंटेड और मिंटेड में मैंने बोला है ना, वाइल एक्सप्लेनिंग, आई मीन्स वाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, करेक्ट. नेक्स्ट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. आरबीआई इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट. दे गेट सैलरी पेमेंट ऑल्सो. सबकी सैलरी देता है, मोस्टली SBI देता है. Okay, mostly all the salaries are paid by SBI account. You must have seen all the government transactions are handled by State Bank of India, right? RBI directly nahi karta hai, but RBI instructs SBI regarding that. Okay, coming back to next point. Supervisor acts as a supervisor. RBI is a supervisor for all types of banks, that is commercial banks, cooperative bank. Sab pe kya karta hai? Supervise matlab dhyan rakhna hai, administer karna hai. Custodian of cash reserves. Commercial bank has to keep some up deposit, that is CRR. CRR ka kuch percentage compulsorily you have to keep with RBI. Correct, I have explained this point. Lender of last resort. Commercial bank fails to make a repayment,
मतलब बैंक अभी डूबने को आई है, तो उसको थोड़ा तो सहारा चाहिए। ये सहारा देने वाला कौन है? सेंट्रल बैंक है। इट मे गिव लोन टू दिस बैंक्स, फाइन, बट इवन इफ दैट बैंक इज नॉट रेडी, व्हाट डज इट डू? यस, इट हैज़ नो ऑप्शन टू टेक ओवर, के आस्क सम बैंक टू टेक ओवर। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस। RBI settles all the accounts of commercial bank. It is called clearing house. Clearing house bole to all the payments are done by whom? Yes, RBI. And my last point was just custody of foreign exchange. This was my last point, right? सब सब रखता है, डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, सब सब कुछ रखता है अपने पास। कौन? रिजर्व बैंक। यस, क्लियर।